नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कीलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं झारखंड के जिला पाकुड़ की खास खबर की ओर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपराध गोष्ठी जिले के सभी थानों में मार्च माह में किए गए कार्यों की बारी बारी से समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान एसपी ने कहा कि माह मार्च में कुल 94 प्रतिवेदित कांड के अपेक्षा 96 कांड का निष्पादन किया गया। सभी लंबित कांडों का विस्तृत समीक्षोपरांत कांडों का त्वरित निष्पादन करते हुए अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। सभी पुलिस अधीक्षक और पुलिस निरीक्षक प्रभाग को लंबित सभी प्रवेक्षण प्रतिवेदन एक हफ्ते के अंदर समर्पित करने, अवैध कोयला बालू पत्थर का उत्खनन परिवहन भंडारण पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु सभी थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक प्रभाग अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। पाकुड़ में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू ने मंगलवार को हिंदू नववर्ष पर महेशपुर प्रखंड अंतर्गत खानपुर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों से मिलकर मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण किया। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष श्री मुर्मू ने नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि हिंदू नववर्ष कई मायनों में हिंदू समाज के लिए अहम माना जाता है। इस खास अवसर पर मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद ग्रामीणों से मुलाकात की और हालचाल भी पूछा। ग्रामीणों की समस्याओं से भी अवगत हुए। मौके पर ग्रामीण सुभाष कुमार मंडल, पप्पू मंडल आदि मौजूद थे। पाकुड़ में हिंदू नववर्ष और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2081 के उपलक्ष्य पर मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में पाकुड़ में शोभा यात्रा से नगर संकीर्तन निकाला गया। पाकुड़ जिला मुख्यालय के काली भसान से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले आज संघ के आह्वान पर स्वयंसेवकों के जत्थे के द्वारा हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर शोभा यात्रा और नगर संकीर्तन निकाला गया। उक्त नगर संकीर्तन और शोभा यात्रा के लिए अहले सुबह से ही संघ के स्वयंसेवक काली भसान पहुंचने लगे, जहां से नगर संकीर्तन की मंडली पूरे शहर के विभिन्न इलाकों क्रमश अम्बेडकर चौक, पेट्रोल पंप, हिरण चौक, गांधी चौक, तांतीपाड़ा, राजापाड़ा, मधपाड़ा का प्रतिभ्रमण करते हुए पुनः काली भसान पहुंची। पाकुड़ में संगीतमय श्रीराम का को लेकर सदर प्रखंड के कोलाजोड़ा में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में मुख्य रूप से जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल मौजूद थी। वहीं कलश यात्रा में काफी संख्या में भक्त शामिल हुए। कलश यात्रा पूरे गांव का भ्रमण कर कार्यक्रम स्थल में स्थापित की गई। कलश यात्रा को लेकर गांव में काफी भक्ति का माहौल है। जय श्री राम आदि के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष गांव में भव्य राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। राम कथा 17 अप्रैल तक चलेगा। राम कथा शाम 6 से 8 बजे तक होगा। राम कथा में उत्तर प्रदेश वृंदावन के कथावाचक मां साध्वी वृंदा अवस्थी के द्वारा राम कथा प्रस्तुत की जाएगी। पाकुड़ में एलेक्स फाउंडेशन ने पाकुड़ के 15 टीबी मरीजों को गोद लिया है। एलेक्स फाउंडेशन ने मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण भी किया। फाउंडेशन के एलेक्स शाम ने कहा कि टीवी की बीमारी आज के दिनों में लाइलाज बीमारी नहीं है। टीवी के मरीजों को अगर सही भोजन और नियमित दवा मिले तो उसे इस बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है और ऐसे मरीजों को गिराने की नहीं बल्कि प्यार की दृष्टि से देखे जाए। फाउंडेशन आगे भी मरीजों के सहयोग के लिए हर संभव मदद करेगी। मौके पर सुनीता हांसदा सहित अन्य मौजूद थे। पाकुड़ हिरणपुर पाकुड़ मुख्य पथ स्थित नगर थाना क्षेत्र के सोना जोड़ी के पास टेम्पो के धक्के से एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के हीरा नंदपुर निवासी निपू कनाय के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि निपू कुनाय सड़क पार कर रहा था और इसी क्रम में तेज रफ्तार से आ रहे टेम्पो ने धक्का मार दिया। घटना में निपू कुनाय पूरी तरह से जख्मी हो गया है। घायल अवस्था से उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने के एएसआई सनातन माझी पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पाकुड़ के सदर प्रखंड के सभागार में मंगलवार को पंचायत स्वयंसेवक की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर अल्फ्रेंड मुर्मू ने की है। बीडीओ ने बैठक के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर स्वयंसेवकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चुनाव में मतदाताओं को बूथों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इसको लेकर निरीक्षण कर पेयजल आदि समस्याओं की सूची तैयार की गई और इसे प्रखंड कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया। सूची के अनुसार बूथों के समस्याओं को जल्द दूर किया जाएगा। मौके पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत कुमार टूडू सहित अन्य मौजूद थे। ऐसे अपने राज्य की तमाम खास और बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।